हेलो स्टूडेंट्स, माईसेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और अपन जो है बेटा लास्ट टर्न पे डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। डिटरमिनेंट में बेटा अपन ने क्या किया था, लास्ट टर्न पे अपन ने माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ा था। जो माइनर एंड कोफैक्टर मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था, जब आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कर रहे थे। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला था कि सर उसमें क्या बोलते हैं, वीडियो हमारा मतलब म्यूट हो गया कुछ टाइम के बाद। तो कोई बात नहीं, अब आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात क्या आता है, सॉरी डिटरमिनेंट की बात, माइनर एंड कोफैक्टर की बात हमारे पास है। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है। एडजॉइंट, एडजॉइंट पे बेस क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने, ठीक है। चलिए एडजॉइंट है हमारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसे इसमें मेनली मैट्रिसेस यूज़ किया है। तो अपन बेटा अब क्या करते हैं, अब आते हैं मैट्रिसेस पढ़ते हैं। देखो डिटरमिनेंट में क्या हुआ, अपन ने पढ़ा एक्सरसाइज 4.4 तक पढ़ा, ठीक है। अब 4.5 और 4.6 पे आगे बढ़ने के लिए पहले हमें मैट्रिसेस पता होनी चाहिए क्या होती है, फिर अपन डिटरमिनेंट में आगे कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक देखो पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, डिटरमिनेंट कर लिया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट करने के बाद आप क्या करोगे, अब मैट्रिसेस कर लो, ठीक है। 4.4 तक आपने डिटरमिनेंट किया, अब इसको आप छोड़ दो यहाँ पे। अब डिटरमिनेंट का पार्ट 5 आएगा, वो कुछ देर बाद आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास अभी आपको मैट्रिसेस की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन अब मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, चलिए बच्चों देखते हैं। एनसीईआरटी में फ़िलहाल ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देखते हैं बच्चों, बात करते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस बुक में दिया होता है इस तरह से, कोई बात नहीं। मैट्रिसेस इज़ द प्लूरल फॉर्म एंड मैट्रिक्स इज़ द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, मैट्रिक्स होता क्या है, बेसिकली इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या आप क्या देखते हो, और ज़्यादा स्पेसिफाइड अगर करना चाहो तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इज़ एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जैसे सपोज हमारे पास दो टीमें हैं, ठीक है, बैडमिंटन मैच हो रहा है, ठीक है, 3 सेट का मैच हुआ, सेट ए, सेट 1, ठीक है, सेट 2, 3 सेट का मैच हुआ, सेट 3। इनके द्वारा जो स्कोर किया गया, सेट ए में इन्होंने मारा 21, इन्होंने मारा 17, इन्होंने मारा 14, इन्होंने मारा 21, ठीक है, और इन्होंने मारा हमारे पास 18 और इन्होंने मार दिया 21, ठीक है। ये है बच्चों, हमने बैडमिंटन का एक मैच लिया, ठीक है, और 3 सेट में मैच हुआ हमारा, तो सेट तीनों सेट में हमने ये ले लिया, ठीक है। सेट ए जीता ए ने, सेट बी और सी जीता, सेकंड और थर्ड सेट जीता बी ने, ठीक है। फर्स्ट सेट जीता ए ने और सेकंड और थर्ड सेट जीता बी और बी ने, ठीक है। तो अगर अपने को यही अरेंजमेंट मैट्रिसेस की फॉर्म में दिखाना है तो हम किस तरह दिखाएंगे, इस तरह दिखाएंगे, 21, ठीक है, 17, 14, 21, 18, 21, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास एक, इसे अपन बोल देंगे मैट्रिसेस। सपोज ये कोई मैट्रिसेस हो गई x, ठीक है, ये हो गई मैट्रिसेस, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बेटा कॉलम, कॉलम ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, दिख रहा है हमें कॉलम, इसे ही बोलते हैं। ये जो होता है बेटा, इसे अपन बोलते हैं रो, रो ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर। ये हो गई हमारी रो, ये हो गया हमारे पास कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है, बात समझ में आई। तो मैट्रिसेस बेसिकली क्या है, मैट्रिसेस क्या है बेसिकली, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और अपन कहते हैं बेटा और एन
मैट्रिसेस इज एन एरे, ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। मैट्रिसेस क्या है? एक एरे है, किसका? नंबर्स का। क्लियर है बेटा? तो अपने पास देखो क्या आ गया, हमारे पास दो चीज़ें आ गई बेटा। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ, इससे बोलेंगे कॉलम, कितने कॉलम है इसमें? एक दो तीन। रो कितनी है इसमें? एक दो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रो इसमें कितने हो गए बेटा? दो। कॉलम कितने होंगे? तीन, ठीक है। तो इससे अपन बात करते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एक नया टॉपिक आ गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कहीं लिखा हुआ है बेटा ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर कहीं लिखा हुआ है बेटा ऑर्डर क्या है हमारे पास? m क्रॉस n है, ठीक है। अगर कहीं दिया है बेटा ऑर्डर इज इक्वल्स टू m क्रॉस n, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि इसमें जो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं, ठीक है, दैट इक्वल्स टू m, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हैं, ठीक है, इज इक्वल टू n, ठीक है। जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी होंगी? m होंगी। जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो कितने होंगे? n होंगे। क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू n, ठीक है। इसे अपन बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अपन किस तरह दिखाते हैं? m क्रॉस n, ठीक है। तो अगर अपन इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास? देखो 1 2, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। क्लियर है क्या? अपन इस तरह लिखते हैं, अगर ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इस तरह लिखते हैं m क्रॉस n। क्लियर है क्या बेटा? m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज इन दैट मैट्रिक्स एंड n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम इन दैट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, और वी कैन से इज एन एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है क्या? ये हो जाएगा हमारे पास। आगे देखते हैं बेटा, इसमें दिया हुआ है इसमें कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल वन दिया हुआ है, एग्जांपल वन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर इन द 3 फैक्ट्रीज। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर, ठीक है, इन थ्री फैक्ट्रीज 1 2 and 3, ठीक है। मैन वर्कर कितने हैं? देखा यहाँ पे मैन वर्कर दिए हुए हैं, यहाँ पे वुमेन वर्कर दिए हैं। फैक्ट्री वन में है 30 और 25, फैक्ट्री टू में है 25 और 31, फैक्ट्री थ्री में है 27 and 26, ठीक है। हमारे पास ये दिया, कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, ठीक है। व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, ये कह रहा है हमसे, ठीक है बेटा। पहले तो हमें कह रहा है कि मैट्रिसेस बनाओ, तो बिल्कुल मैट्रिसेस देखो आसान है, बिल्कुल बनाना। कोई मैट्रिसेस अपन ने बोल दी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, ए बोल दिया अपन ने, देखो ये कितने कॉलम है इसमें? कॉलम आ गए अपने पास दो, तो ये आ गया 30 25 27 25, ठीक है, 31, ठीक है, 26। यहाँ पे क्या बताएंगे? रो वन इज़ रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्री वन, रो टू इज़ रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्री टू, रो थ्री इज रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्री थ्री। यहाँ पे लिख देंगे रो वन जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फैक्ट्री वन, ठीक है,
ठीक है। रो टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्री टू, ठीक है। रो थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्री थ्री, ठीक है। और उसके बाद कॉलम वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन वर्कर, ठीक है। कॉलम वन इज रिप्रेजेंटिंग मैन वर्कर, ठीक है, एंड कॉलम टू इज रिप्रेजेंटिंग वीमेन वर्कर, ठीक है ना, वीमेन वर्कर, ठीक है बेटा। हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्हाट इज द एंट्री इन थर्ड रो, थर्ड रो वन टू थ्री, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट दैट द 26 वीमेन आर इन द थर्ड फैक्ट्री, ठीक है। देयर आर 26 वीमेन्स इन द फैक्ट्री थर्ड, ठीक है, बस यही बता रहा है। हमसे कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल टू, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट्स इन इट, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट्स इन इट, एग्जाम्पल टू कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट्स इन इट, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट्स इन इट, वॉट आर द पॉसिबल ऑर्डर दे कैन हैव, ठीक है, what are the possible order they can have, ठीक है। हमसे कह रहा है, if a factory have eight elements in it, then what are the possible orders they can have, देखते बेटा। देखो हमारे पास number of elements कितने हैं, आठ हैं, ठीक है। तो आठ के जितने अपन factor बना पाएंगे उतने ही possible order होंगे, ठीक है ना। आठ को अपन ब्रेक करें तो देखो कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 4 में, ठीक है, 4 × 2 में, ठीक है, ठीक है, 8 × 1 में और 1 × 8 में। इसके अलावा कोई ऑर्डर है क्या हमारे पास, पॉसिबल है, सोचो भाई। 2 × 4 हो गया हमारे पास, 4 × 2 हो गया हमारे पास, ठीक है, 8 × 0 हो गया हमारे, 8 × 1 हो गया हमारे पास, 1 × 8 हो गया, क्लियर है बेटा। तो यही चार पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। सो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं तो देख लो बेटा, ठीक है ना। तो एक हो सकता है 2 × 4 का, दूसरा हो सकता है 4 × 2 का, तीसरा हो सकता है 8 × 1 का, चौथा हो सकता है 1 × 8 का। ये फीलिंग ऐसे आई, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, तो 6 को 2 के मल्टीपल में लिखो तो टोटल अगर अपन देखें 6 मल्टीपल हैं तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, या तो 1 × 6 होगा, 1 रो 6 कॉलम, या तो 6 × 1 होगा, 6 रो 1 कॉलम, या तो 2 रो 3 कॉलम, या 3 रो 2 कॉलम, यही होगा बेटा हमारे पास। हमारे पास 3 रो 2 कॉलम का एग्जांपल हो सकता था, ठीक है ना। दिट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है। अब अपने को ऐसे ही दिया था कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स इन इट, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर दे कैन हैव, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आपको 8 को जैसे भी मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स आप लिख सकते हो, 2 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, तो वैसे आप रिप्रेजेंट कर दो। तो अपन इसे 2 × 4 में लिख सकते हैं, 4 × 2 में लिख सकते हैं, 8 × 1 में लिख सकते हैं, और 1 × 8 में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है बेटा, कंस्ट्रक्ट आ 3 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। कह रहा बेटा एग्जांपल 3 कह रहा है, कंस्ट्रक्ट आ 3 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है, हुज एलिमेंट्स
आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3 जे। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमें दिया हुआ है। अब देखो बच्चों कहने का मतलब है, जैसे बच्चों अपने पास कोई मैट्रिसेस होती है, ठीक है, तो उसके अपन एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिसेस है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये हो जाएगा A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ये हो जाएगा A13, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। 1/4 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, एंड सो ऑन, जहाँ तक आप ले जाना चाहो। ठीक है, सिमिलरली A21 का मीनिंग होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A22 इसका मीनिंग होता है बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, एंड सो A31 का क्या मीनिंग है बेटा, A31 का मीनिंग है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, A32 का मीनिंग है थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। A33 का मीनिंग क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बढ़ते आ सकते हो। ठीक है ना, तो आपको बात समझ में आई बेटा क्या बोलते हैं, कैसे अपने को डिसाइड करना। A11 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। A13 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A14 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। क्लियर है क्या बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैट्रिसेस हमें कितने ऑर्डर की बनानी है, 3x2 की। इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें कितने रो होनी चाहिए, इसमें रो होनी चाहिए 3, कॉलम कितने होने चाहिए 2, रो होनी चाहिए 3, कॉलम होने चाहिए 2। ठीक, 3x2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा A3x2। क्लियर है बेटा। अब देखो हमें फार्मूला दिया हुआ था, ठीक है, ये क्या दिया हुआ था, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ आई माइनस 3 जे। ये एक फार्मूला है, कह रहा है इसके थ्रू हमें एलिमेंट मिलेंगे। तो देखो A11 का क्या मीनिंग हुआ, आई की वैल्यू भी वन हो गई, जे की वैल्यू वन हो गई, डाल दो यहाँ पे हाफ ऑफ 1 माइनस 3, दैट इज हाफ इंटू मॉड ऑफ -2 इज 2, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये मॉड है, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है क्या, ये आ गया। A12 का मीनिंग क्या हुआ बेटा, हाफ ऑफ आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई 2, -3 × 2 क्या हो गया बेटा, 1 - 6, दैट इज -5, -5 का मॉड क्या होगा, 5 / 2, ये आ गया A12। A13 का मीनिंग क्या हुआ, आई का वैल्यू हो गया 1, जे का वैल्यू हो गया 3, हाफ ऑफ 1 - 3 × 3। ठीक है, तो हाफ ऑफ 1 - 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, 1 - 9 क्या हो गया बेटा, 8, तो मॉड ऑफ 8 आ गया, तो हाफ ऑफ 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है बेटा, A13 तो है ही नहीं यार, लफड़ा कर दिया अपन ने, A13 तो है ही नहीं अपने को, तो A21 निकालना है। चलिए देखते A21 में देखिए, आई का वैल्यू हो गया 1, जे का वैल्यू हो गया 1, आई का वैल्यू हो गया 2, जे का वैल्यू हो गया 1, तो ये 2 - 3 × 1, तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। A22 कितना हो गया बेटा, हाफ इंटू आई वैल्यू हो गया 2 × 3 × 2, हाफ इंटू 2 - 6, दैट इज 4। ठीक है, ये आ गया 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। A31 क्या हो गया बेटा, हाफ इंटू आई का वैल्यू हो गया 3 माइनस 1, 1 × 3, दैट इज 3, ये हो गया वैल्यू 0। ठीक है बेटा, ये A32 कितना हो गया बेटा, हाफ इंटू आई का वैल्यू है 3, जे का वैल्यू है 3 × 2, दैट इज 6,
थ्री माइनस सिक्स कितना हो गया बेटा, माइनस थ्री का मॉडल हो गया थ्री, ये क्या आ गया थ्री अपॉन टू, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अपन ने देखा कि अपने पास सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, अपन इसमें पुट कर देते हैं। देखते हैं बेटा, तो हमारे पास जो ए थ्री क्रॉस टू बन रहा है, ठीक है, ये क्या बनेगा देखो, ए थ्री क्रॉस टू जो बन रहा है, ये बन रहा है ए वन वन क्या आया है वन, ए वन टू क्या आया है फाइव बाई टू, ठीक है, ए टू वन क्या आया बेटा, ए टू वन आया वन बाई टू, ए टू टू क्या है बेटा टू, ए थ्री वन क्या है बेटा ज़ीरो, और ए थ्री टू क्या आया थ्री बाई टू, ये हमारे पास आ गया ए थ्री क्रॉस टू। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो इस तरह से अपन ने एक अपन को एक फॉर्मूला दे दिया था और उसे हिसाब से अपन ने निकाल दिया एलिमेंट्स, तो वन हाफ ज़ीरो फाइव बाई टू टू एंड थ्री बाई टू। ठीक है, क्लियर है क्या? अब अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए अरेंज करो बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, पहली मैट्रिक्स आती है बेटा उसे अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक सिंगल रो, ठीक है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो जो होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास, एक। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैव अ ओनली वन रो। ठीक है, कॉलम कितने हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर एंड सो ऑन, कितने भी एलिमेंट हो। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है वन फाइव माइनस टू जीरो एंड सो ऑन। ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है वन थ्री, ठीक है, सी एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा। तो नंबर ऑफ़ रो कितनी होंगी, हमें एक होंगी, तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ़ रो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इज ओनली वन, देन वी विल कॉल्ड इट एज अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर दो, नंबर दो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, जिसमें केवल एक ही कॉलम प्रेजेंट हो उसे अपन क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू वन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल्स टू वन। क्लियर है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल्स टू वन होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब जैसे सपोज एग्जांपल किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, दैट इज ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन ए फोर वन एंड सो ऑन। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, एन मान लिया, कॉलम कितने हैं वन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी थी हमारे पास, वन, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे मान लिया एन। क्लियर है क्या बेटा? तो इस तरह से अपन एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक नंबर ऑफ कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक एक्स मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री। ठीक है, एक वाई मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, और एक जेड मैट्रिक्स है सपोज, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास
वन माइनस फोर सेवन टू थ्री लाइक दिस, ठीक है, फाइव क्रॉस वन जी। तो ऐसे मैट्रिसेस को अपन क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल्स टू वन, दैट मैट्रिसेस विल बी नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इन दैट मैट्रिसेस इज वन, देन द मैट्रिसेस विल बी नोन एज द रो मैट्रिसेस। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर थ्री मैट्रिक्स जो है वो है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, व्हेन, ठीक है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ इन अ मैट्रिक्स देयर आर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन द मैट्रिसेस विल बी नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि हमारे पास सपोज एक मैट्रिसेस है ए, ठीक है, इसमें तीन रो हैं और तीन कॉलम हैं। सपोज एलिमेंट है वन माइनस टू थ्री, माइनस वन जीरो, टू फाइव फोर माइनस वन, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितने आ रहे हैं, थ्री, नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, थ्री। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। एन क्रॉस एन की जो मैट्रिसेस होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एनी मैट्रिसेस विल बी नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट मैट्रिसेस आर इक्वल। चलिए एक बी मैट्रिसेस लेते हैं, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा वन टू। तो ये देखिए बच्चों क्या हो गया, ये हमारे पास मैट्रिसेस जो हो गई, ये हो गई दो रो दो कॉलम की मैट्रिसेस है, दो रो और दो कॉलम की मैट्रिसेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टू क्रॉस टू की मैट्रिसेस हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। टू क्रॉस टू की जो मैट्रिसेस होगी हम इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। ठीक है, अब इसमें बेटा कह रहा है हमसे स्क्वायर मैट्रिक्स में एक स्पेशल टाइप दिया हुआ है। इसने कहा कि देखो भाई कोई मैट्रिसेस फॉर्म करोगे, सपोज कोई तुमने मैट्रिसेस एक्स फॉर्म की, ये इस फॉर्म की दिख रही है हमारे पास, थ्री क्रॉस थ्री की अपन ने ली, ठीक है, या एन क्रॉस एन की ली अपन ने, ठीक है, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है, इसी तरह ए वन टू, ए वन थ्री एंड सो ऑन, ठीक है, ए टू टू, ए टू थ्री, ठीक है, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट कहेंगे इसके डायगनल एलिमेंट है, ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, दीज एलिमेंट ए वन वन, ए टू टू, ठीक है ना, ए थ्री थ्री, मतलब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन, ए एन एन, ठीक है, आर नोन एज द डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर नोन एज द डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर एंड अप टू सो ऑन ए एन एन, ठीक है, आर नोन एज द डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, डायगनल एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद जो चौथी मैट्रिक्स आती है उसे हम कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स, क्या कहते हैं बेटा, डायगनल मैट्रिक्स।
अपन बोलेंगे बेटा उसे डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चौथी मैट्रिक्स होगी उसे बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स व्हेन all elements except diagonal are zero, ठीक है। एक मैट्रिक्स को अपन डायगनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट उसके क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। कौन से? डायगनल एलिमेंट क्यों छोड़ के, ठीक है। डायगनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट उसमें पड़े हुए हैं वो अगर जीरो हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है एक्स एन क्रॉस एन की, ये हो जाएगा ए वन वन, ये हो जाएगा ए टू टू, ये हो जाएगा ए थ्री थ्री, ये हो जाएगा ए फोर फोर एंड सो ऑन लाइक दिस, ये आ जाएगा ए एन एन, ठीक है। बाकी सारे के जो एलिमेंट हैं बेटा, बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो हो जाए जीरो 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 एंड सो ऑन जीरो 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 एंड सो ऑन जीरो, ठीक है। जीरो जीरो एंड सो ऑन जीरो 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 एंड सो ऑन जीरो जीरो जीरो, ठीक है ठीक है। जीरो एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है बेटा। इसी तरह से जीरो 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 एंड सो ऑन जीरो, इसके ऊपर भी जीरो, ठीक है। ये जो लास्ट एलिमेंट है ये क्या आ गया, ए एन एन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह जीरो जीरो कंटिन्यू, ठीक है। तो बात समझ में आ गई क्या? तो एनी मैट्रिसेस इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगनल्स, ठीक है, एक्सेप्ट डायगनल्स आर प्रेजेंट देन इट इज़ नोन एज द डायगनल मैट्रिसेस, इट इज़ नोन एज द डायगनल मैट्रिसेस, ठीक है बेटा। इट इज़ नोन एज द डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगनल मैट्रिसेस के बेटा दो टाइप होते हैं, कौन से दो टाइप होते हैं देखते हैं, ठीक है। डायगनल मैट्रिसेस समझ में आ गई बेटा, केवल डायगनल एलिमेंट प्रेजेंट हो तो अपन क्या बोलेंगे, डायगनल एलिमेंट। तो x इज इक्वल टू लाइक दिस, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है कोई, 1 0 0 0 2 0 -1 0 0, तो यहाँ पे देखो बेटा इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं क्या बोलेंगे, डायगनल एलिमेंट, डायगनल मैट्रिसेस, ठीक है। या कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगनल आर ज़ीरो, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज द डायगनल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, देन इट इज़ नोन एज द डायगनल एलिमेंट, ठीक है, डायगनल मैट्रिसेस, सॉरी। ऑल मैट्रिसेस इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगनल्स आर नॉन जीरो एंड रेस्ट एलिमेंट आर जीरोस आर नोन एज द डायगनल एलिमेंट। डायगनल एलिमेंट के बाद बेटा दो टाइप होते हैं, डायगनल एलिमेंट से मिलते जुलते हैं या डायगनल एलिमेंट से आप कह सकते हो निकल के आते हैं, ठीक है। डायगनल एलिमेंट्स डायगनल मैट्रिक्स से निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट वन को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, फर्स्ट वन को बेटा बोलेंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड वन को अपन बोलेंगे बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो, ठीक है, सारे डायगनल एलिमेंट क्या हों, सेम हो। लाइक यहाँ पे कोई एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट जो है ये भी एक्स है, ठीक है। एक ऐसी डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों हमारे पास, सेम हो, ठीक है,
ठीक है, ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर सेम, रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरोज इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर द सेम, रेस्ट एलिमेंट्स आर द जीरो इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सारे के सारे डायगनल एलिमेंट हमारे वन हो जाएं, कैसे हो जाएं, वन हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वन 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 एंड सो ऑन वन। ठीक है, रेस्ट एलिमेंट क्या हो जाए हमारे पास, जीरो हो जाए। ठीक है, जीरो ठीक है बेटा। तो अगर सारे के सारे डायगनल एलिमेंट वन हो जाए, ठीक है, आप कह सकते हो स्केलर मैट्रिक्स का ये एक टाइप है, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या अगर सारे के सारे डायगनल एलिमेंट जो हैं हमारे क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर सारे के सारे डायगनल एलिमेंट क्या हो जाए हमारे पास, वन हो जाए, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी ने कहा भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की लिखो तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, किसी ने लिखा भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो 3x3 की, तो अपन इसे क्या बोलेंगे बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई एन क्रॉस एन ये हो गई हमारे पास, एन क्रॉस एन की, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके डायगनल एलिमेंट 1 1 1 हो, रेस्ट एलिमेंट क्या हो जाए हमारे, 0 हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये होती है डेफिनेशन हमारे पास। ठीक है, तो अपन ने अभी तक देखो क्या क्या सीखा, सबसे पहले अपन ने सीखा बेटा रो मैट्रिसेस, फिर कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, फिर अपन ने स्क्वायर मैट्रिसेस सीखी, स्क्वायर मैट्रिसेस में अपन ने देखा डायगनल मैट्रिसेस, डायगनल मैट्रिसेस के दो टाइप हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, आगे देखते हैं स्केलर आइडेंटिटी, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया भाई कि जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस को इन जनरल बेटा अपन बोलते हैं नल मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिसेस। ठीक है, जीरो मैट्रिसेस को बेटा अपन बोलते हैं नल मैट्रिसेस। तो नल मैट्रिसेस क्या होती है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हों। ठीक है, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज द नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया देखो, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अपन इसे क्या कहेंगे, 2x2 की ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, एक बी मैट्रिक्स है कोई 0 0 0 0 0। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे 3x3 की नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है क्या। तो जब अपने पास देखो नल मैट्रिसेस क्या होगी, जब अपने पास सारे के सारे एलिमेंट किसी मैट्रिसेस के जीरो हो जाएं, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नल मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो 2x2 की नल मैट्रिसेस है तो उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। 3x3 की सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नल मैट्रिसेस बोलेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है, ये बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर कहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा वहीं पे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस भी होती हैं, बट जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बता दूंगा, अभी चूँकि बुक में मेंशन नहीं है तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, हमसे कह रहा है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस,
ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब कही जाएंगी, ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। देखो क्या होती है, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल ओनली व्हेन टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है, ओनली व्हेन, ठीक है, नंबर वन देयर ऑर्डर आर सेम, देयर ऑर्डर आर सेम, नंबर टू देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगी, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल ओनली व्हेन नंबर वन देयर ऑर्डर आर सेम, ठीक है, जिनके ऑर्डर सेम हो, नंबर टू देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है, नंबर वन देयर ऑर्डर आर सेम, नंबर टू देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है बेटा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ए वन वन की पोजीशन वाला एलिमेंट ए वन वन के बराबर होगा, ए टू टू की पोजीशन वाला एलिमेंट ए टू टू के बराबर होगा, ए टू वन की पोजीशन वाला एलिमेंट ए टू वन की पोजीशन वाला एलिमेंट के बराबर होगा, इस तरह इससे बोलते हैं अपन इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, क्लियर है बेटा। तो देखो जैसे कि एक मैट्रिसेस हमें दी हुई है, सपोज अपन ने बोला कि दो मैट्रिसेस हैं इक्वल दी हुई हैं ए बी सी डी, और इधर दिया हुआ है हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अपन क्या कहेंगे, देखो इसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू है, ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या है, देखो टू क्रॉस टू है, तो ए वन वन की पोजीशन वाला एलिमेंट ए वन वन की पोजीशन वाले एलिमेंट के बराबर होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, ए वन टू की पोजीशन वाला एलिमेंट ए वन टू की पोजीशन के बराबर होगा, तो बी इज इक्वल टू गामा, ठीक है, ए टू वन की पोजीशन वाला एलिमेंट ए टू वन की पोजीशन वाले एलिमेंट के बराबर होगा, तो सी इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, एंड ए टू टू की पोजीशन वाला एलिमेंट ए टू टू की पोजीशन वाले एलिमेंट के बराबर होगा, दैट इज़ डी इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल ओनली व्हेन, पहली कंडीशन क्या है कि इनके क्या होने चाहिए भाई, ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरी चीज़ इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होने चाहिए बेटा वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो क्या होगा बेटा कि हमारे पास सपोज, ठीक है, एक दिया हुआ है x माइनस टू वाई जेड माइनस फाइव एंड, ठीक है, w प्लस टू, यहाँ पे दिया हुआ है जीरो वन माइनस टू फाइव, ठीक है, तुमसे कह रहा है अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो x y z और w की वैल्यू बताओ, ठीक है, x y z w वैल्यू बताओ। तो देखो बेटा x माइनस टू शुड बी इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगी टू, क्लियर है बेटा। y शुड बी इक्वल्स टू, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, माइनस टू, ठीक है, z माइनस फाइव इज इक्वल टू वन, तो z इज इक्वल्स टू सिक्स, ठीक है, w प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव माइनस टू, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई टू, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू, z की वैल्यू आ गई सिक्स और w की वैल्यू आ गई थ्री, क्लियर है बेटा क्या। तो टू मैट्रिसेस कब इक्वल कही जाएंगे, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रेस्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, दैट्स इट।